शरद पार से खबर है। इससे पहले कि मैं शेयर करूं, क्लिप रेडी होगा, जरा चलाइए। सऊदी अरेबिया तकरीबन 750 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया के अंदर। वाह भाई वाह। इन पाकिस्तानियों को पहले तो ये टेंशन हुआ करती थी, हमारे मुल्क के अंदर FDI नहीं आ रही, हमारे मुल्क में बिजनेसमैन नहीं आ रहे, हमारे मुल्क में डॉलर नहीं आ रहे, हमारा मुल्क बर्बादी के दहाने पे चला जाएगा। हाँ भाई हाँ। तो ये तकलीफें पाकिस्तानियों की समझ में भी आती थी। सही बात है। लेकिन अब इन पाकिस्तानियों का पेट का दर्द और बढ़ गया है। कैसे? अब इनको तकलीफ ये हो रही है कि हमारे इस्लामी ब्रादर मुल्क हिंदुस्तान में जाके क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। मुझे दिल से तकलीफ होती है। हिंदुस्तान के स्टार्टअप में सऊदी अरेबिया लगभग 700 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने वाला है। ये खबर पहुंचते ही पाकिस्तानी तो हो गए बावले, इनको याद आ गया इस्लामी ब्रादर मुल्क। मक्का मदीना की वजह से हमारा सऊदी अरब से मोहब्बत का एक लाजवाब रिश्ता दहाइयों से चला आ रहा है। औकात में रहो। दोस्तों, पाकिस्तान ने काफी कोशिश की कि हम इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को कन्विंस करें, पर्टिकुलरली अरब वर्ल्ड के ममालिक को। हाँ भाई हाँ। और दूसरी तरफ सऊदी अरब की पाकिस्तान से दोस्ती है रस्मी, आरजी या मसलहत की दोस्ती नहीं है। अच्छा। बल्कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के अवाम एक दूसरे से रूहानी ताल्लुक की वजह से जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया। और तारीख गवाह है कि जब भी पाकिस्तान में मुश्किल वक्त आया है, सऊदी अरब आगे बढ़कर मदद और पाकिस्तान के साथ यकजहती सऊदी अरब की खारिजा पॉलिसी की एक आप कह लें कि मुस्तकिल खुसूसियत है। फिर क्या हुआ? अब सऊदी अरब जो है वहाँ पे एक एसेट मैनेजर हैड्स फाइनेंशियल प्राइवेट कैपिटल ग्रुप है, जो कि इंडिया के अंदर तकरीबन जो है 750 मिलियन की जो फंड्स हैं वो लेके आ रहा है। लेकिन अक्ल के जो अंधे हैं ना, अगर समझे तो बात है ना। ये देखें, एक होता है कि आपको जा के कन्विंस करना पड़े, एक होता है कि आप कंपनीज खुद ही फैसला करें। और ये मैं बेंगलुरु के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब सारा सऊदी अरब, जिसमें पर्टिकुलरली सारा मिडल ईस्ट, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया एंड UAE जो है, वो ये कह रहे हैं कि हमें इंडिया के अंदर पैसे लगाने हैं। देयर इज नो अदर कंट्री, नाइदर बांग्लादेश नो पाकिस्तान, जहाँ पे वो कहते हैं कि इंडियन स्टार्टअप जो है दे आर नोन एज ए ग्रोथ कैपिटल है। ठीक है जी, वहाँ पे होना ही होना। अब इस वक्त भी मुल्क मुश्किल में है। ये रियाद बेस्ड ग्रुप है जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ। इसके तकरीबन कुछ 6 बिलियन डॉलर के इनके एसेट्स हैं। ये अगले 3 सालों के अंदर ये पैसे लगा रहा है। अब देखें, ये ज्यादातर जो पैसा जाएगा ये इंडिया की होम ग्रोन कंपनीज में पैसे लगा रहे हैं। पता नहीं इनको मिलता क्या है। इट मीन्स कि इंडियन कंपनीज के अंदर इतनी जान है कि वहां पे आके बाहर से लोग पैसा इंजेक्ट करेंगे। वाह भाई वाह। और ये आप देखें कि द सऊदीज हैव स्टॉप्ड लुकिंग इंडिया from a lens of Hinduism. When it comes to business, the Saudis are looking India only purely from a business lens. They don't see India as a Hindu India. और ये खबर सुनने के बाद तो एक पाकिस्तानी मौलाना तो पूरी तरीके से बौखला गया है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? कैसे कैसे कर सकता है सऊदी अरेबिया? वो तो हमारा इस्लामी मुल्क है, हमारे मुल्क में आना चाहिए। तो आज आपको मैं दिखाता हूँ जहालत की पराकाष्ठा नंबर 1 का कबीना। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। पिक्चर चालू करो बे। सर, बात करने का पर्पस ये है कि अभी न्यूज आई है सऊदी अरेबिया तकरीबन 750 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया के अंदर। सर, क्या कहना चाहेंगे? सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं और इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने में क्यों इंटरेस्टेड है इतना? ये हमारे हुक्मरानों की नाअहली है कि जो इत्माद नहीं कर रहे वो हालांकि हम मुसलमान है, वो भी मुसलमान मुल्क है और हिंदू में इत्बार कर रहे हैं। तो ये लम्हे फिक्री है। अच्छा, हमारे स्टेक होल्डरों के लिए बस। हुकूमतों की नाअहली है, लेकिन ये अपनी नाअहली कभी नहीं मानेंगे भाई, कभी नहीं मानेंगे। ये वहाँ जाके भीख मांगते हैं, अपराध करते हैं। ये देखिए, मैं हूँ दुबई में और यहाँ के लेबर के वीजे बंद हो चुके हैं। किस वजह से बंद हुए हैं उसकी बड़ी वजह आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में टोटल 38 मिलियन लोग भीख मांगने के पेशे से मुंसलिक हैं। यहाँ पे लेडीज आके वीजों पे और आके ये मांगने वाली बन के बैठी हुई है जी। ये मांग रही है लोगों से पैसे, देख सकते हैं आप। तो ये हमारे पाकिस्तानियों के हालात हैं जिस वजह से आप कह सकते हैं कि वीजे बंद हुए हैं। सबसे ज्यादा बड़ी वजह यही है। इसलिए ये पाकिस्तानी दुनिया में कहीं भी जाए ना, जलील ही होता है। हाँ भाई हाँ। सर, सऊदी अरेबिया की अगर मैं बात करूँ या फिर मिडिल ईस्ट की बात करूँ या फिर मैं दुबई की बात करूँ, तो सर वो मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो क्यों ज्यादा ट्रस्ट करते हैं इंडिया के ऊपर एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? आपको लगता है कि यहाँ पर इस्लाम को देखना चाहिए या फिर अपने पर्सनल बेनिफिट्स को देखना चाहिए? पता है कि इस्लाम को, वो बात सही है, वो हमारे मुसलमान ब्रदर मुल्क है, लेकिन वो जब देखता है ना कि ये इनको दे खूह खाता है, खूह में डालना है, ये पता क्या करते हैं, इन्होंने अपने मुल्क के जो पैसा है सबसे ज्यादा ज़खायर वो तबाह कर रहे, तो ये हमारे साथ क्या करेंगे जो अपने मुल्क के अवाम के साथ कुछ नहीं कर रहे? तो हमारे साथ मुखलिस क्या है? वो यही घबराते हैं, वरना वो ये नहीं कि वो उनकी ही हमारे मुखलिस नहीं, मुखलिस है, लेकिन वो कहते हैं यार ये अपने मुल्क का ही सोच रहे हैं, अपनी अवाम उनकी रोल रही है तो ये हमारा पैसा भी रोल देंगे और अपनी शाह खर्चियाँ करेंगे, अवाम रोलेगी तो
हमें कुछ फायदा नहीं होगा। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी मईशत की जो हालत है वो उतनी बेहतर नहीं है जितनी होनी चाहिए। सर, आपकी क्या राय है कि जो मंदिर बने दुबई के अंदर, ये सर कह रहे हैं कि वो गलत नहीं होने चाहिए, यहूदियों के भी नहीं बनने चाहिए, चर्च भी नहीं बनने चाहिए, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो अगर हम पाबंदी लगाएंगे कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, चर्च नहीं बनना चाहिए, गुरुद्वारा, तो फिर जो इंडिया वाले हैं वो भी तो पाबंदी लगाएंगे नहीं। तो दरअसल ना जो सबका है वो तो है, लेकिन एक 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 मजहब को प्रमोट करना वो अलग बात है। एक हमें पता है ना, मजहब को अगर वो ये मजहब को प्रमोट है तो फिर हम तबलीगी जमाते ना लेके जाए ना दूसरे मुल्कों में। चलो अगर मानता है, लेकिन कहने का मतलब कल्चर खराब हो रहा ना। एक चीज अगर उन पे पाबंदी लगाएंगे कि इधर आके तबलीग ना करें हैं, तो फिर नहीं देखो बेटा जी, बात यही कर रहे हैं आप। यार इनके दो तस्वीर का दो रुख होते हैं, एक रुख देखा जाए तो ये अगर वो करा रहे हैं, उनकी हुकूमत मर्जी मार रही है, तो हम क्या करें? इसको लेके जाए ना, आपके दिल में जो नफरत है हम उसी को खत्म करने आए। ये बंदा कह रहा है नफरत नहीं है, अभी आप देखना कितनी सारी नफरत इसके दिल में भरी हुई है हिंदुस्तान के लिए, हिंदुओं के लिए। सुने ना, देखे बात ये है, तबलीग करनी चाहिए ना। हाँ जी, करनी चाहिए। अच्छा, इंडिया में भी जाके करनी चाहिए। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह, उनको मुसलमान करना चाहिए, तो हिंदुओं को तबलीग करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या, अगर देखा जाए, अगर हम ऐसा करने लग पड़े तो फिर दो कौमी नजरिया कहाँ चला जाएगा? दो कौमी नजरिया कहाँ चला जाएगा भाई? तेल लेने जाएगा दो कौमी नजरिया? हाँ भाई हाँ। खुद करो तो बढ़िया, और दूसरा कर ही नहीं सकता। ये सब दोगलापन है। आप कहते हैं हिंदू इजाजत दे दे तबलीग की, नहीं आप हसास मौजू है, आप ये उलमा करामी सही बता सकते हैं क्या होती है? आप नॉर्मल से वाक्य, ये कोई बड़ा वाक्य नहीं है। आप तो थोड़ा ये बताए, मैं तबलीग करने के लिए हिंदू को तबलीग कर सकता हूँ? तो क्या हिंदू मुझे तबलीग कर सकता है? नहीं, इस्लामी मुल्क में नहीं इजाजत होनी चाहिए, मुझे तो ये कंफर्म पता है। ये ठीक है, अगर नहीं होनी चाहिए तो फिर हिंदुओं के मुल्क में भी तबलीग करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल सी बात है, जब आप मेरा ना चाहे जो मर्जी थाने ज़ाहिर है कि वो एक तरफ रखे, लेकिन मैं जो है तो अगर हम अपने मुल्क में नऊज बुलाकर ईसाइयों को हिंदुओं को ये कहते कि वो दावत शुरू करते, तो फिर तो हमारा तो पहले ही अल्लाह वजह, तो हम मजीद हम सुन लेना, उनको घबराहट नहीं है कि एक हिंदू मुसलमान हो जाए, उनको कोई घबराहट है? है क्यों नहीं है? उनको कोई घबराहट नहीं, इस्लामोफोबिया चाहे वो दुनिया में, नहीं उनको कोई घबराहट नहीं। सुन ले उनको, वो कहते हो गया एक जट जो है, आपके जितने भी जट हैं, आराई हैं, फलां हैं, पंजाबी हैं, ये पहले हिंदू थे फिर मुसलमान हो गए, उनको तो कोई घबराहट नहीं हुई। इस मौजू पे आप इसको क्यों इतना डिस्कस करना चाह रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही। नहीं डिस्कस नहीं कर रहे हम यहाँ पर, आपके दिमाग के अंदर थोड़ी सी चीजें नहीं, यहाँ पे जा रहे। देखो ये पाकिस्तान ने दोबारा डेवलपमेंट किया है, जैन मंदिर हमें पता नहीं, जैन मंदिर सर की बात अगर सुनेंगे ना तो हमें बेनिफिट। बात ये है कि जब हिंदू हमें अलाउ करता है, क्रिश्चियन हमें अलाउ करता है कि आप उनके मुल्क में मस्जिद बनाएं, उनके मुल्क में तबलीग करें, जो भी फिर जिस मुल्क का कानून होता ना, जो जैसे पाकिस्तान, आप सुन तो लेना, आप सुने थोड़ा ऐसा आगे आप देखिए, एक चीज है ना, बड़ी सिंपल सादा सी बात कर रहा हूं, जो आपको समझ नहीं आ रही, सादा सी बात कि हर एक की अपनी एक कोशिश होती है कि भाई वो अपने मजहब की तबलीग करे या फलां करे या कुछ करे। अगर हम तबलीग कर सकते हैं उधर इंडिया में जाके, इंडिया में मस्जिद बना सकते हैं, या अमेरिका में या यूरोप में, तो हम कहेंगे अच्छा कर रहे हैं। अब अगर वो कहते हैं कि हम भी तबलीग करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं नहीं आप नहीं कर सकते, तो फिर वो भी पाबंदी लगाएंगे। आईने पाकिस्तान में जो होगा वही होगा, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही यहाँ पे, सुने ना, आईने पाकिस्तान के भी यही कहते हैं, यही कहता है जो भी वही है सिंपल। आप सुन लेना, अगर देखा जाए ना, अगर आप मुझे टाइम दे, अगर हालिया दिनों में जो कुछ तब से 15 साल से मोदी है, तो वहाँ पे जो बनी बनाई मस्जिद है उनका क्या हाल हो रहा है? वो तो आप ये बताएंगे ना, वहाँ पे नहीं 25 करोड़ मुसलमान वहाँ रहे, सजदे में वो लोगों को ठुड्डे मार रहे होते हैं यार, वहाँ पे क्या आजादी है? ये पाकिस्तानी भाई बोल रहा है कि रोड पे नमाज पढ़ते लोगों को हिंदुस्तान के अंदर लाते पार रही थी, ठुड्डे मार रहे थे। मतलब अब मुझे ये बता दो, तुम्हारे पूरे पाकिस्तान के अंदर भी कोई रोड पे बैठ के नमाज पढ़ता है क्या? नहीं। और मेरी तो खुद बहुत सारे पाकिस्तानियों से बात होती है, उन्होंने ये तक बोला है कि हमारी पूरी जिंदगी गुजर गई, हमने कभी किसी भी मुसलमान को रोड पे नमाज पढ़ते हुए पाकिस्तान में नहीं देखा है। फिर ये हिंदुस्तान में क्यों पढ़ते हैं? इनके पास क्या मस्जिदें नहीं है? इनके पास में क्या घर नहीं है? सब कुछ है, प्रे करने की भी जगह है, फिर भी रोड पे पढ़नी है नमाज? और जब पुलिस वाला हटा रहा था तब भी नहीं हट रहे थे, ये प्यार से समझाया था उनको पहले। तो मेरे भाई ठुड्डे पढ़ने के काम करते हो तो पढ़ते हैं। You are right, bro. पूरा वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने बाद में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन आपका, आप भी इन पाकिस्तानियों को सबक सिखा सकते हैं। भाई ने बोला करने का तो करने का। आप लोग अपना ख्याल रखे, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।